निपट जाते आज जाता। फिलहाल खेती का कार्य जोरों पर है, खेत में धान का रोपा लगाया जा रहा है। ऐसे में किसान परंपरागत तरीके से खेत की जुताई कर रहे हैं, जो कि बैलों की मदद से हल चलाकर की जाती है। लेकिन बारिश के इस मौसम में तब किसान हादसे का शिकार हो सकता है, जब वह सिंचाई की सुविधा लिए खेतों में पहुंचाई गई बिजली के खंभे व उससे लगे टेंशन तार को नजरअंदाज कर देते हैं। परसवाड़ा क्षेत्र के ग्राम पोंडी में एक किसान के खेत में उस वक्त अफरातफरी का माहौल निर्मित हो गया, जब वह अपने खेत में हल चलाकर जुताई कर रहा था। ग्राम पोंडी निवासी कृषक दुलीचंद पांचे ने बताया कि अचानक बिजली के खंभे से लगे टेंशन तार की चपेट में आने से हल खींच रहे बैल छटपटाने लगे और जमीन पर गिर पड़े। अचानक बैलों को छटपटाता देख बैलों को बचाने गया, जहां वह भी करंट की चपेट में आ गया। उसे जैसे ही करंट का झटका लगा वह तुरंत पीछे हट गया। इसी बीच बैलों को बचाने पड़ोसी किसान दौड़ पड़ा, वह भी बिजली करंट के झटके महसूस होते ही फौरन वापस पीछे हट गया, जिसके बाद किसी तरह बैलों को खींच कर हल से अलग किया गया, लेकिन तब तक एक बैल ने दम तोड़ किया था। हालांकि गनीमत रही कि किसी तरह दूसरे बैल को बचाया गया, साथ ही किसान भी बिजली के करंट की चपेट से बच गया, वरना किसी बड़ी अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता था। क्या नाम है? नाम दुलीचंद पांचे। कहाँ रहते हैं? पोंडी। कैसे दुर्घटना हो गई है? दुर्घटना है, बस सुबह आया था, पट्टा बंधाया था, बस लाया और वो इष्टे तार आया खम्भा किनारे, लाइट का कनेक्शन नीचे पड़ा हुआ था, उसे दोनों बैला कंपन हुए, दोनों बैला बैठ गए और मेरे को भी झटका आया। एक ही बैला को बचाया जूता जूता निकाल करके, एक बैला नहीं बचा, एक की मौत हो गई। एक की मौत। बिजली विभाग को सूचित किए थे आपने? नहीं किए, बिजली विभाग वाले ने कुछ नहीं जानते, कहीं नहीं मिलता जो मिल जाना ऐसा कुछ बोल दिया, तो नहीं हुआ, फिर कुछ नहीं हुआ बिजली तरफ से। कैसे दुर्घटना हुई? ये दुर्घटना ऐसे हुई कि मेरा पड़ोसी दुलीचंद पांचे रोपा लगाने के लिए कीचड़ बना रहा था। एक बंदी थोड़ा सा था उसको बनाया कीचड़, और दूसरी बंदी में आया पोल के नीचे, और अचानक करंट लगे से बैल के मुँह से आवाज़ निकली, टोंकर के आवाज़ लगाया बैलों ने और दोनों बैल गिर गए। उसके बाद में मेरा पड़ोसी मेरे को आवाज़ लगा दुलीचंद पांचे ने, मैं भी दौड़ करके आया, रस्सा बंधा हुआ था बैल में, एक बैल को खींच करके उसकी जान बचा ली हमने, दूसरे बैल को नहीं बचा पाए, बैल ख़त्म हो गया। उसके बाद में जाकर ट्रांसफार्मर से लाइट काट बाद मैंने लाइनमैन को फ़ोन लगाया कि ऐसे ऐसे हादसा हो गया करके भेलावी को, तो भेलावी बोल ठीक है मैं आता हूँ करके बोल, उसके बाद में भेलावी आ करके करंट को काटा और उसके बाद सुधार किया। मैं युगराज हरिन खेड़े ग्राम पौंडी एक किसान हूँ। अच्छा, यहाँ पे जी एक किसान का बैल विद्युत करंट लगने के इष्टे तार जो होता है टेंशन वायर, उसमें करंट आने से किसान के करीब 30,000 रुपये की जोड़ी का एक बैल मर गया, जिसके भारी बरसात में उसका घाटा हो गया। वो घाटा की पूर्ति विभाग करना चाहिए, इसके पहले भी कई बार करंट लग चुका है किसानों को, हल्का फुल्का जैसा भी लगा है, और तार इतने झिले हुए हैं कि हाथ पकड़ लो तो पकड़ा जाएंगे। खुला तार जो 11 kg का है, हम किसानों ने यहाँ करीब 20-22 मोटर हैं कनेक्शनधारी, परमानेंट कनेक्शन धारी हैं। 27 मई को आवेदन बना करके जेई ऑफिस जेई साहब को स्वयं हैंड टू हैंड हमने दिए थे, जिसकी रिसिप्ट हमारे पास में है, और बोले थे कि भाई उनको टाइट करवा दीजिए क्योंकि कल कोई घटना घट सकती है। उनने बोले ठीक है, मेरे स्वयं का नंबर भी उनने लिए थे कि मैं शाम को आऊँगा 4 बजे के बाद कॉल करूँगा, आज तक क्या आए नहीं। फिर लाइनमैन लोगों से भी संपर्क कर दिए कि भाई सामने बारिश है, तार टाइट कर दो, कभी भी घटना घट सकती है, पर उनको तो इस दिन का आज क्या नहीं इंतजार था कि कोई घटना घटे। सुबह मैंने स्वयं अपने मोबाइल से 2 बार फ़ोन किया जेई को, जेई के नंबर बिजी आ रहा था, उसके बाद भी कॉल बैक नहीं किए। फिर हमने पारदी जी को लगाया, पारदी जी भी बोले आ रहा हूँ, फिर भले जी को लगाए पर वो भी बहुत लेट से आए। अभी क्या चाहते हैं? अभी हम चाह रहे हैं कि उन पर कार्रवाई होना चाहिए बिजली विभाग पे। कल आज एक मवेशी मरी है हमारी, कल हम ही मर जाए कोई किसान, तो इससे कि दुर्घटना क्या बिजली विभाग भरेगा? एक तो ठेकेदार के मार्फत से जो काम करवाए हैं, बहुत लचर ठेकेदार था, पूरे पुल झुके हुए आप भी देख रहे हैं, तार भी नीचे झुके हैं, केबल वायर पूरे हाथ से पकड़ा जा रहे हैं, कंडक्टर वायर भी हाथ पूरे अगर पूरा होते ज़्यादा से ज़्यादा 2 फीट बचता है, 2-3 फीट नहीं तो पूरा दिख रहा है। वहाँ ट्रैक्टर चला नहीं सक रहा किसान, तो अपनी खेती कैसा करेगा? फिर भी उसके बाद में
यानी 27 जून को हमने परसवाड़ा दिए और 27 मई को और 25 जून को डी ऑफिस बैयर में जाके डी को दिए हमने। उन्हें तुरंत में लगाए फोन जेई को गुप्ता जी को, तो बोले सर कल बुधवार 4 बजे के बाद में करवाता हूँ। वो फिर कुछ नहीं, मैं स्वयं शनिवार को फिर गया 29 तारीख को, उस दिन फिर बात हुई तो बोले कल भेजता हूँ पारधी को। वो कल आज बुधवार फिर आ गया, पर आज तक के हमारी की लाइन खींची नहीं। अब उनके ये लग रहा है कि एक हाथ आदमी भी मर जाए उसके बाद कहीं बिजली विभाग सतर्क होगा, ये इंतजार कर रहा बिजली विभाग, ऐसा हमको अंदाजा लग रहा है। आप देख रहे हैं बालाघाट खबर।